वेल फ्रेंड्स, मैं तो इसे ऐसे ही खा जाऊंगी। बहुत डिलीशियस है और थोड़ा भी कड़वा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पतले पतले करेले लिए हैं जिसके बीज बहुत ही कम रहते हैं, मामूली से रहते हैं, तो ऐसे ही लेना है। तो इसकी सब्जी बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इनमें चीरा लगा लिया है इसे भरने के लिए। तो हम इसका बनाएंगे कलौजी। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, तकरीबन 1/2 किलो कली है। तो अब इसके मसाले तैयार करते हैं। दोस्तों, मसाले बहुत बेसिक से मैंने यहाँ पे भरवा मर्चा लिया है। अगर इसकी रेसिपी आपको जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट करिए। तो ये मैंने घर पे बनाया है, ये मिर्ची का अचार। तो मैंने यहाँ पे पूरा ले लिया है और यहाँ पे हरी मिर्चियाँ ली हैं ढेर सारी, मतलब हमारे घर में जितना तीखा खाते हैं। और 3 बड़े प्याज मैंने कट कर लिए हैं और लहसुन की कलियाँ ली हैं। और ज़्यादा मसाले यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। और ये हमारा पचफोरन है जिसे मैंने भून लिया था, तो इसे भी हम पीस लेंगे। तो मैं यहाँ सिलबट्टे पर पीस रही हूँ। इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो नमक थोड़ा तगड़ा ही अच्छा लगता है कलौजी में। तो मसाले हमें दरबरा रखना है दोस्तों, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। पीसते समय हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे दरदरा ही पीसना है, पानी इसमें ज्यादा नहीं डालना है। तो इसी तरह मैं इसे दरबरा पीस ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ मसाले पीस लिए हैं और बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे ये देखिए मसाले पिसा गए हैं, तो अब हम करेले में फिल कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मसाला पिसा गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं यहाँ पे करेले रख ले रही हूँ और इसे फिल कर लेती हूँ फटाफट। तो ये देखिए, इस तरह इसे खोलना है और ये मसालों को इसमें भर लेना है इस तरह से। और मैंने यहाँ पे करेले को उबाला नहीं है, हम डायरेक्टली बनाएंगे, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है, तो इसे उबालना नहीं है। ये देखिए, इसी तरह से सभी करेलों को फिल कर लेना है। करेले किस किस को पसंद है गाइस, कमेंट में लिखना ना भूले। वेल, मुझे तो थोड़ा थोड़ा पसंद है, ज्यादा नहीं पसंद है, लेकिन ये ऐसी रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे करेले सारे फिल हो गए हैं, तो चलिए इसे गैस पे चढ़ाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है तकरीबन 2 चम्मच। तो ये गरम हो गया है, तो एक एक करेले को इसमें रख देना है इस तरह से। तो यहाँ को सिंपली सभी करेलों को बिछा देना है। और धीमी आंच में इसे पकने देना है, बीच बीच में हम देखते रहेंगे इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं धीमी आंच पे, और ये देखिए अच्छे से क्रिस्प हो गया एक साइड से। तो बीच बीच में इसे नहीं चलाना है, जब 10 मिनट हो जाए तो इसे देखते रहना है। यहाँ पे समय कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये देखिए बीच बीच में नहीं चलाएंगे और एक ही साथ ये पकेगा तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है, लाल लाल एकदम अच्छे से बनते हैं। और धीमी आंच पे ही फ्रेंड्स हमें इसे पकाना है, तेज आंच नहीं करना है। तो ये देखिए, एक साइड से अच्छा पक गया है, एक साइड से और पकाना है, 10 मिनट और लगेंगे इसके अंदर। ये फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद हमारे करेले दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, एकदम मस्त भुना गया है, बहुत ही डिलीशियस सी करेले की कलौजी तैयार हो गई। आप एक बार जरूर ट्राई करें, ये जरा भी तीखी नहीं लगती है, बहुत ही मस्त लगती है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूले। हैप्पी करेला। वेल फ्रेंड्स, मैं तो इसे ऐसे ही खा जाऊंगी, बहुत डिलीशियस है और थोड़ा भी कड़वा नहीं लग रहा। आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें। Bye! Thank you for watching!